हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। एक बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं और ये अंदर की इन्फॉर्मेशन है और आपको उम्मीद है मुझे कि अच्छी लगेगी क्योंकि ये आईपीएल की नई टीम से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है और बड़ी ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। दरअसल आप सब ये जानना चाहते होंगे कि आईपीएल की 10वीं टीम 9वीं टीम कौन सी होगी, तो इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि नवी टीम जो है उसमें सबसे ऊपर नाम आ रहा है अहमदाबाद की टीम का, जो लगभग तय है, और दसवीं टीम में हो सकता है कि कानपुर की टीम को मौका मिल जाए, उस पर थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन नवी टीम अहमदाबाद है, ये लगभग तय है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन अब मैं लेकर आया हूं, ये इंफॉर्मेशन आपको किसी ने नहीं दी होगी, ना ही कोई दे पाएगा, क्योंकि ये सीधी इंफॉर्मेशन एक बीसीसीआई के जो मेरे सूत्र हैं उन्हीं से मेरी बातचीत में ये मुझे खबर पता लगी है। दरअसल मैंने पूछा था कि नई जो टीम है इस बार आईपीएल की नई टीमों के लिए आप लोग बेस प्राइस कितना रखेंगे, फ्लोर प्राइस कितना रखेंगे, यानी कि टीम फ्रेंचाइजी देने के लिए बीसीसीआई उसके मालिक से कितना पैसा लेगी कम से कम। तो इस बारे में उन्होंने हमें बताया है कि अभी जो एजीएम हुई थी 24 तारीख को, इसमें कुछ ऑफिशियल इस बारे में तय नहीं किया गया है कि कितने प्राइस में हम देंगे, क्योंकि होपफुली टेंडर जो है वो अप्रैल के बाद से निकाले जाएंगे, नई टीम की बिडिंग जो है अप्रैल के बाद से होगी। लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया, एक तरीके से रकम बताई है और वो है मिनिमम 1500 करोड़, यानी कि 1500 करोड़। सोचिए कितना बड़ा ये आंकड़ा है, मतलब मिनिमम है ये 1500 करोड़, तो मिनिमम है जो भी मालिक टीम खरीदेगा बीसीसीआई से उसको 1500 करोड़ तो मिनिमम तो अपनी जेब से खर्च करने ही पड़ेंगे। ये 1600 करोड़ भी हो सकता है, ये 2000 करोड़ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक अंदर की खबर हमें निकलकर सामने आई है और हमारे जो बीसीसीआई के सूत्र हैं उन्होंने यही बताया है कि अप्रैल के बाद से हम शायद टेंडर देना शुरू कर देंगे, उसके बाद फिर बिडिंग होगी, देखते हैं उसमें क्या होता है, लेकिन मिनिमम इतना करोड़ तो रहेगा ही। क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि जब जेएसडब्ल्यू ने दिल्ली कैपिटल्स का 50% खरीदा था 2018 में शायद, तब उन्होंने उस 50% के लिए सोचिए 1100 करोड़ दे दिए थे। तो जब किसी टीम की किसी फ्रेंचाइजी के लिए उसकी 50% रकम 1100 करोड़ कर दी, तो फिर उसकी पूरी रकम तो सोचिए 2200 करोड़ होगी। तो उस हिसाब से जो नई टीम है इसका 1500 करोड़ मिनिमम प्राइस बताया है, ये ज्यादा भी हो सकता है, देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है कितनी रकम और हो सकती है, बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत अंदर की इंफॉर्मेशन ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कैसी लगी ये खबर बताइएगा जरूर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि यहां आपको ऐसी ही हर छोटी बड़ी जानकारी मिलती रहेगी और सबसे तेज मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।